20 नवंबर 2023 आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है उच्चते उच्च है भगवान। कहते हैं मेरा कोई मात पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आपे ही बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। दूसरा पॉइंट है तुम आत्माएं असल निराकारी हो, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हो, मनुष्य कहलाती हो। मैं तो गर्भ में नहीं जाता, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। पहला नंबर तो है श्री कृष्ण, इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म, तो मैं इसमें ही आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। तीसरा पॉइंट है सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते। यह गीता भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं। चौथा पॉइंट है सारा मदार धारणा पर है, धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। यह कस्तूरी नॉलेज है खुशबूदार, मुश्किल कोई को यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। मुरली का सार है मीठे बच्चे एवं हेल्दी एवं वेल्दी बनने के लिए, मना सदा स्वस्थ एवं सदा धनवान बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। आज का प्रश्न है आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है। उत्तर है एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अनेक बार यह पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला रूहानी सोशल वर्कर बन, सबको रूहानी यात्रा सिखानी है, अपने देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगानी है। दूसरा है अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है, पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान है वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे वाचा की सेवा में सदा विजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें, तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। आज का स्लोगन है अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स विस्तार से आज गीत बजा छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। जहाँ गीता की पाठशालाएं होती हैं वहाँ अक्सर करके यह गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले यह श्लोक गाते हैं, यह जानते तो नहीं है कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म ग्लानी है, पहले है प्रार्थना, फिर वह रिस्पॉन्स करते हैं आओ,
फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। वह फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म ग्लानी हो पड़ती है, तब मैं आता हूँ। स्वरूप बदलना पड़ता है जरूर, मनुष्य तन में ही आएंगे, रूप तो सब आत्माएं बदलती हैं, तुम आत्माएं असुल निराकारी हो, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हो, मनुष्य कहलाती हो। मुझे भी स्वरूप बदलना पड़ता है जरूर, मनुष्य तन में ही आएंगे। जन्मों में पहला नंबर तो है श्री कृष्ण का, इनके ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म, तो मैं इसमें ही आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ जिसमें मैंने प्रवेश किया है। सारा मदार धारणा पर है, धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। हर एक की एक्ट का पाठ अलग है, इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ है। परमात्मा भी कहते हैं हम पाठ धारी हैं, जब धर्म ग्लानी होती है तब मैं आता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ, ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए, वह है हद का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, और यह है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है, ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे भी जरूर। तुम सबको मरना जरूर है, साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा, यह शरीर भी खत्म होना है, इसलिए अब जो इंश्योर करना है वह करो, फिर 21 जन इंश्योर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, यहाँ ही खाते रहो, सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना, इंश्योर कर और खाते ही रहते तो मिलेगा कुछ नहीं, मिले तब जब सर्विस करो तो उच्च पद भी पाएंगे। तुम्हारी है रूहानी सर्विस, हर एक को तुम यात्री बनाते हो, यह है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है, भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं, बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं, पहले सुख फिर दुख में आते हैं। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है, इस समय सब तमो प्रधान जड़जड़ी भूत है, हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेती है। बाप कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता, और सबको तो बाप है। श्री कृष्ण का भी जन्म माँ के गर्भ से होता है, यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे, इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। 84 जन्मों का ओल्ड है, मुश्किल कोई को यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है, यह कस्तूरी नॉलेज है खुशबूदार। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, नमस्ते बाबा नमस्ते।